गाइज टूडे वीडियो इज स्पेशली फॉर द वॉरियर्स आर डूइंग सेल्फ स्टडी आसान नहीं है सेल्फ स्टडी करना पेनफुल है बट एनरिचिंग है आज के इस वीडियो में आई वुड बी टेलिंग यू द कंप्लीट बुक लिस्ट मैं लिख के लाया हूं जिसको पढ़कर यू कैन क्रैक आर बी आई विदाउट एनी कोचिंग सारी बुक्स है मेरे पास मैं एक एक करके आपको दिखाने वाला हूं ठीक है बट बिफोर दैट मैं आपको दो तीन पॉइंट बताना चाहता हूँ गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल फिकेशन आप उस लिस्ट को छोड़ दें उसमें काफी रिलेवेंट बुक्स है आप सिर्फ इस लिस्ट को फॉलो करें ठीक है दो लिस्ट आप नहीं फॉलो कर पाएंगे सेकंड इज दैट देर इज नो बुक इन द मार्केट विच इज ओनली फॉर आरबीआई सो द बुक्स दैट आई एम टू टेल यू यू कैन नॉट रीडम कवर टू कवर ऐसा नहीं है कि एक बुक उठाई और सारा पहले पेज से लास्ट पेज तक आप नहीं पढ़ पाएंगे यू हैव टू रीड इट सेलेक्टिवली डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एग्जाम और एग्जाम की रिक्वायरमेंट आपको कैसे समझ आएगी इफ यू अंडरस्टैंड दिलेबस and the PYQs. So books can only be helpful to you if you understand the syllabus and the PYQs. अंडरस्टैंड तो सबसे पहली बुक जो आपको पढ़नी चाहिए वो Guide to RBI Manager जो हमारी टीम ने बनाई है इसमें RBI से related सारी इंफॉर्मेशन है RBI में क्या डिपार्टमेंट हैं, क्या फंक्शन हैं, क्या प्रमोशन हर है RBI के एग्जाम का क्या पैटर्न है ठीक है कितने सब्जेक्ट आते हैं सिलेबस क्या है कट क्या है बेस्ट रिसोर्सिस क्या है सैलरी क्या है इनहैंड सैलरी क्या है सारी चीजें जो आप आरबीआई के बारे में या उसके एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं वो इस गाइड में आपको मिलेंगी जस्ट थर्टी पेजेस की है गाइस और कलरफुल है एंड यू विल गेट डेफिनेटिव आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस तो आज ही इसको डाउनलोड कीजिए कहां से डाउनलोड होगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके डाउनलोड कीजिए अभी मैं फेज वन की बुक्स डिस्कस करता हूं पहले क्वांट से शुरू करते हैं

Moti hai because it covers the syllabus for all the exams, whether that is CAT, ZAT, MAT, UPSC, Railways, RBI. So read it selectively, only those topics which are asked in your exam again by linking it with the PYQs. For English, I am not recommending any book. I think grammar banga ab English. So just practice a lot of mock tests, try to understand different types of questions asked in the exam and how to approach them. फॉर करंट अफेयर्स नॉर्मली करंट अफेयर्स आपके एक तो नॉर्मल करंट अफेयर्स आते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड बुक्स ऑबिचरी साइंस एंड टेक वो आप किसी भी मैगजीन से पढ़ सकते हैं कंपाइल्ड वन ठीक है कंपाइल्ड मैगजीन पढ़ना अच्छा रहता है देन देर आर आरबीआई नोटिफिकेशन उसके लिए आरबीआई वेबसाइट बहुत अच्छी रहेगी द ओरिजिनल सोर्स आरबीआई नोटिफिकेशन बहुत आती हैं आपके एग्जाम में सात आठ क्वेश्चन आते हैं उसमें से एंड द अदर पार्ट इज रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स इज अगेन वर्थ से फिफ्टी ट्वेंटी मार्क्स तो काफी लोग इसको छोड़ देते हैं दोस्त रिलाइंग ऑन बैंकिंग मैगजीन जो कि एस बी आई पी आई बी के लिए होती है उनमें यह कवर नहीं होता है रिपोर्ट एंड स्कीम्स तो इसको कवर करने का बेस्ट तरीका है हिंदू एंड पी वेल टू रीड हिंदू एंड पी आई बी बाई योर सेल्फ कैन बी चैलेंजिंग बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसमें अपने नोट्स बनाने में सो अगेन यू सम कंपाइल मैगजीन्स विच आर गिविंग यू द समरी ऑफ हिंदू एंड पी आई बी फॉर आरबीआई अब ये रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स आपको बैंकिंग मैगजीन में नहीं मिलेंगी यूपीएससी मैगज़ीन्स में मिल सकती हैं बट हैव टू बी बिकॉज वो ज्यादा फैक्चुअल थिंग्स में नहीं जाते हैं बट इन आरबीआई लॉडुअल तो करंट अफेयर्स का रिसोर्सेज थोड़ा सा हमें देख के चुनना पड़ेगा वी हैव टू बी स्मार्ट देयर अभी हम फेस टू पे आते हैं फॉर मैनेजमेंट

सारे से हो जाएंगे आपके इन योर मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी नहीं है बट इट सॉल्स योर ठीक है इससे आप पढ़ सकते हो uh, और थोड़ा सा कॉपरेट गवर्नेंस को इंटरनेट से सप्लीमेंट कर लेना बिकॉज नॉट मच अबाउट रेगुलेशन है आपकी मैनेजमेंट की हो गई

इतना पढ़ नहीं पाएंगे इफ यू आर स्पेंडिंग होल वन ईयर देन मे बी यू कैन स्टार्ट बट रीड इट वेरी सेलेक्टिवली बट आई डोंट रिकमेंड दिस फाइनेंस के लिए इफ आई कैन रिकमेंड यू वन बुक दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस मैकमिलन एजुकेशन पब्लिश करता है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस जो कैब uh, कैब जैप करवाते हैं उनकी ये बुक है बहुत अच्छी बुक है फैंटास्टिक बुक है इन द सेंस दैट इट हेल्प्स यू कवर लॉट ऑफ सिलेबस लाइक फाइनेंशियल मार्केट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स शियल इंक्लूजन डेरिवेटिव काफी टॉपिक्स हो जाएंगे बट द ओनली प्रॉब्लम क्लैरिटी नहीं है बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स में चीजें खत्म की गई हैं एज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी नो लॉट ऑफ थिंग्स तो थोड़ा सा गूगल से सप्लीमेंट करना पड़ेगा सो दैट वॉज अबाउट बुक ऑफ फाइनेंस और uh, एक चीज है फाइनेंस में करंट अफेयर भी आते हैं एंड मेनली दे आर फ्रॉम आर नोटिफिकेशन वो नोटिफिकेशन आप आरबीआई वेबसाइट से पढ़िए आई थिंक दैट इज द बेस्ट सोर्स फॉर यू ठीक है और देर कैन बी न्यूज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेवी विच कैन बी आस इन योर करंट अफेयर्स पार्ट ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पेपर उसके लिए यू कैन रीड लाइवमेंट आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड सोर्स सो ये आपका फाइनेंस का हो गया नाउ मूविंग ऑन टू इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आई होप अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं बाय दिस टाइम यू वलरेडी बी नोइंगट इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज इज नॉट दैट मच स्टैटिक ऑरियंटेड करंट काफी हैवी रहता है उसमें तो उसके लिए दो आई एम टेलिंग यू द बुक्स बट इनको बहुत घुस के मत पड़ेगा डो नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस फर्स्ट बुक आपके लिए मैं इकोनॉमिक्स ही बता रहा हूँ विच इज ऑन यर स्क्रीन राइट नाउ इकोनॉमिक्स बाय इंडिया इकोनॉमिक्स बाय रमेश सिंह तो ये यूपीएससी एक्सपीरियंस बुक को पढ़ते हैं बट दिस इज रेलिवेंट फॉर आरबीआई बी ऑल्सो बट रीड ओनली सेलेक्टिव चैप्टर्स इन माई ओपिनियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्फ्लेशन मॉनिटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड मे बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा कुछ पांच छह चैप्टर्स इस बुक में से पढ़िए यू नीड नीड नॉट गोइंग टू टू मच स्टेप बिकॉज अल्टीमेटली आपके एग्जाम में ज्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक नहीं आएंगे ठीक है सोशल प्रॉब्लम्स के लिए और सोशल इश्यूज के लिए ये बुक है रामहूजा की पुराना वर्जन है नया आ गया अब तो अगेन बहुत छोटी है जस्ट रीड ऑल दीज टॉपिक्स लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन हेल्थ सोशल जस्टिस जस्ट रीड दिस टॉपिक्स फ्रॉम दिस बुक लाइक योर रीडिंग एन एस ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है बिकॉज अगेन स्टैटिक नहीं पूछा जाएगा इसमें से करंट ही पूछा जाएगा अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं ई में द मेन पार्ट इन करंट अफेयर्स दैट इज आज दिन ई एस आई पेपर इज रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स जो फेज वन में भी मैंने बात की थी और रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स का इशू ये है कि इफ़ यू रीड द बैंकिंग मैगजीन्स जो पी ओ एग्जाम्स के लिए उनमें रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स नहीं होती हैं तो आप उसको नहीं पढ़ते हैं वहाँ से एंड इफ यू कवर द दूपीएससी मैगजीन्स विच आर कवरिंग रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स द प्रॉब्लम विद इज दैट दे आर कवरिंग दीज रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स फ्रॉम एनालिटिकल परस्पेक्टिव नॉट फ्रॉम फैक्चुअल परस्पेक्टिव जबकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल आएंगे ये स्कीम किस ईयर में लॉन्च हुई थी किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है कितना

स्ट वॉच समीडियो ऑन इंटरनेट अबाउट एस ए प्रेसी एंड कॉम्प्रीएशन उसको कैसे अटेम्प करना है क्या रूल्स है एंड देन रीड एडिटोरियल एंड अटेम की एडिटोरियल रेड अ प्रेसी ऑफ द एडिटोरियल यू एवरेड डू दैट डेली फॉर फिफ्टीन टी मिनट रीड इट अटेप रीड इट अटेपर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लेवल है सो दैट वॉज अबाउट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश गाइज ये अब मैं ऐसी चीज इसलिए मैं लिख के लाया था कि मैं भूल ना जाऊं ये तो आपकी बुक्स हो गई गाइस ठीक है एक बहुत जरूरी चीज है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दिस नॉलेज दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दीज बुक्स वो नॉलेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू रेदर एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इज गोइंग टू हेल्प यू एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इन अ अंस्टेंट एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट मतलब कि आपके पास टाइम कम है मेंटल प्रेशर है ऑप्शंस को जल्दी से एलिमिनेट करना है गैस करना है ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा और उसके लिए आई थिंक यू नीड टू सॉल्व लॉर्ड ऑफ एमसीक्यूज एटलीस्ट आई वुड लाइक यू टू सॉल्व इफ नॉट ट्वेंटी थाउजेंड टेन थाउजेंड एमसीक्यूज कंबाइंड फॉर फेज वन एंड फेज टू एग्जाम में जाने से पहले दस हजार एमसीक्यू करने के बाद जो आपका एक लेवल होगा ना यार नॉलेज तो आपको है ही जो एक लेवल होगा आपका पेपर में जाने से पहले वो यहां होगा यहां यू कैन चैलेंज एनी वन और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को मत इग्नोर कीजिएगा ये बुक से आपको नॉलेज आ जाएगी बट द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग वॉट यू नो हैज टू बी लर्न फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वो कैसे आएगा अगेन जस्ट प्रैक्टिस वन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डेली जस्ट वन आई एम नॉट आस्किंग यू डू अटेम फाइव क्वेश्चन फॉर थ्री आवर्स डेली जस्ट वन क्वेश्चन डेली फॉर फिफ्टीन मिनट्स बी कंसिस्टेंट एंड सी द रिजल्ट सी द रिजल्ट दे वुड बी ऑसम तो ये रिसोर्सेज हैं गाइस एंड अगर आप इनको अच्छे से सिलेबस और पीवाई क्यूज को समझकर इन रिसोर्सेज को यूज करेंगे आई एम श्योर दैट यू कैन क्रैक विदाउट एनी कोचिंग हैव आउट एनी कोचिंग बाय बाय